ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵਦੀਪ ਚੀਮਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 24 ਨਿਊਜ਼ किसान मजदूर मुलाजम मारू सरकार मुर्दाबाद सेंटर सरकार मुर्दाबाद खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साड़ी जो ये मजदूर किसान संगठन आ वो थोड़ी गल सेंटर की सरकार तक पहुंचना चाहता है। पहली गल ये जो ये बिल पास कर सरकार ने किए हैं ना ये गैर संविधानक ने, क्योंकि जोड़ा खेतीबाड़ी का विशा वा ये स्टेट सरकार संबंधित आ। तो पंजाब की सरकार ने विधानसभा के विरुद्ध कानून पास किया है। सो पहली गल गैर संविधानक, दूजी गल पंजाब की हरियाणा की जी इकानमी है ना जिदा बाकी डी जी पी सारिया -23.9 चल गई आ, खेतीबाड़ी फिर भी 2.5-3% उत्ते नूं गई आ प्लस विच। पता नहीं सरकार की सोचती है, ये भी खरे माइनस खड़ना चाहती है। तीजी गल जदों कोई बंदा जां कोई सरकार जां कोई संस्था एक काम गलत कर ले ना तो वो अपने अंदर झाती मारदा कि मेरे को मुड़ के कोई गल गलत ना हो जाए। सेंटर की सरकार ने नोटबंदी तो लैके GST तक जां साडे जिहड़े लागले लागदे इन्हां दी फॉरन पॉलिसी आ सारी दी सारी जदों झाती मारे तो सारियां फेल ने। सो ये साडे कालेबाज दी जो मजदूर किसान जथेबंदी आ इहदी पुरजोल सेंटर सरकार नूं निमरता सार बेनती आ कि ये लोकां दे अगेंस्ट कानून जांदे ने, इन्हां नूं किसे ते किसे तां वापस लिया जाए। जे नहीं वास लेंदी घट्टो घट्ट पंजाब हरियाणे की एजम्पशन की जाए। सो ये लोगों के हित में जिहड़ी नहीं ये सरकार नूं आप सोचना चाहिए ही, पर सरकार बिल्कुल उल्ट जा रही है। इन्हीं गल्लां करके मैं समाप्ति करदा हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं प्रेस वाले वीरां का धन्यवाद करना चाहुंदा कि जिन्हां दे जिन्ने भी चैनल इत्थे आए ने, मैं कल्ले कल्ले नाम नहीं दस सकदा, कि जिन्होंने अपना समा कढ के लोगों की आवाज़ जी सरकार तक पहुँचाई आ। उहदे विच दूजी गल इह आ कि मोदी सरकार जो कर रही है ये बिल्कुल ही रूल तो बाहर जा कर रही है। जदों कहीं करोना नाल लड़ रहे हैं, करोना की बीमारी नाल असीं बहुत सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने वो नहीं कर सकते, पर सरकार ने एक चोर मोरी रख के तां कि लोगों का प्रोटेस्ट घट तो घट होवे। उन्होंने एक इहो जिहे समय ते बिल लिआंदे आ, चोरां वांग चोरी बिल लिआंदे आ और तां कि लोग प्रोटेस्ट ना कर सकन और सरकार का विरोध ना कर सकन। और नाल ही मैं यह भी गल कहांगा कि मोदी सरकार जो कर रही आ किसानां लई मजदूरां लई मुलाजमां लई ये बहुत माड़ा कर रही आ। इहदे वास्ते जो मेरे वीर इत्थे प्रोटेस्ट करन आए आ मैं उन्हां दा धन्नवाद करना ते प्रेस वालों का धन्नवाद करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं अपने पिंड प्रेस वाले वीरां दा भी धन्नवाद करदा जिन्हां जिस संगीन मुद्दे ते अज असीं इकट्ठे होए आ। जो साडी सब तो वड्डी समस्या सेंटर सरकार वालों पास किए गए बिल वालों मेजोरिटी ज़्यादा होण करके BJP ने बिल तो पास कर दिता, क्योंकि विरोधी धिरां बिल्कुल खिलाफ़ है इन्हां दे। दूसरे पासे जे असीं आम लोगों की गल करिए
किसान चाहते हैं कि साडा फायदा होवे, पर सरकार चाहती है कि फायदा भी तुहाडा असीं अपने तरीके नाल करना। जो असीं किसान चाहते हैं किसानां दे हित नूं मुख रख के साडियां फसलां दे सही रेट, साडियां जमीनां, हर एक चीज़ का साडा सोचण दा हक है, तो असीं अपने अधिकारां करके लड़दे हाँ। मेरी बेनती यह है कि सारिआं नूं कि असीं सारे एकजुट हो गए, चाहे असीं पिंड पद्धर ते हां, मजदूर हाँ, किसान हाँ, चाहे कोई भी है, हर एक 70 to 80% डिपेंड लोग खेतीबाड़ी ते ने। जे जिमीदार दे कुछ पल्ले नहीं गा तो समझो कि दुकानां वालिआं दा वी मंदा हाल है, तो मजदूर भी हुण लॉकडाउन दे विच सरकार वल्लों किसे नूं कुछ नहीं मिलिया, पर इस खेतीबाड़ी ने फिर उन्हां नूं रुजगार दित्ता, उन्हां ने झोना लगाया, तो उन्हां दा फिर कुछ अपने पैरां ते खड़े होए, उन्हां नूं कुछ ना कुछ मिलिया। तो मेरी बेनती यह है कि सारिआं अगे कि असीं रल मिल के इन्हां दा विरोध करदे हां, उसे मसले च अज असीं इकट्ठे होए हां। तो धन्नवाद सारिआं दा, मीडिया दा खास करके बहुत धन्नवाद जिहड़े साडी आवाज़ नूं दूर तक पहुँचाउंदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। Oh,